दोस्तों इंडिया का सबसे खतरनाक रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी जिसका 11वां सीज़न की शूटिंग चालू है। ऐसे में क्या आप जानते हैं कि खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 के कंटेस्टेंट्स को कितनी फीस मिल रही है पर एपिसोड को शूट करने के लिए? नहीं जानते होंगे ना, तो आइए जानते हैं कि भाई खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 के कंटेस्टेंट्स को कितना पैसा दिया जा रहा है पर एपिसोड की शूटिंग के लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं काजल सिंह और आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपने चैनल यस डेटा न्यूज़ में। वेल दोस्तों, खतरों के खिलाड़ी सीज़न 11 आने वाला है और खतरों के खिलाड़ी शो को टेलीविज़न का सबसे डेंजरस शो माना जाता है, यानी कि रियलिटी शो माना जाता है। ऐसे में इसका 11वां सीज़न आने वाला है। कंटेस्टेंट्स ने शूटिंग कर वैप अप भी कर लिया है। सारे के सारे कंटेस्टेंट्स केप टाउन से इंडिया लौट आए हैं। वेल इस बार शो में 12 कंटेस्टेंट्स आपको नज़र आने वाले हैं जो कि एक से बढ़कर एक धमाकेदार कंटेस्टेंट्स हैं। वेल कंटेस्टेंट्स की सैलरी की अगर हम बात करें तो इनमें सबसे ज्यादा हाईएस्ट पेड सैलरी वाले कंटेस्टेंट हैं राहुल वैद्य। आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं कि इतना ज्यादा पैसा राहुल वैद्य लेते हैं पर एपिसोड के। तो चलिए राहुल वैद्य को पहले हम साइड में रखते हैं, पहले हम बात करते हैं होस्ट रोहित शेट्टी के बारे में कि होस्ट रोहित शेट्टी को कितना पैसा दिया जा रहा है कलर्स की टीम द्वारा खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के पर एपिसोड को शूट करने के लिए। वेल दोस्तों, सोर्सेस की माने तो रोहित शेट्टी जो है 49 लाख रुपीस ले रहे हैं पर एपिसोड की शूटिंग के लिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है पर एपिसोड को शूट करने के लिए। यहाँ पर रोहित शेट्टी जो है 49 लाख रुपीस ले रहे हैं। इसी के साथ साथ अगला नंबर है राहुल वैद्य का। राहुल वैद्य का जो हम अमाउंट कहें या फिर जो उन्हें पैसा मिल रहा है शो के मेकर्स के द्वारा, वो बहुत ही बड़ा है। और राहुल वैद्य जो है इकलौते ऐसे सेलिब्रिटी हैं जिनको सबसे ज़्यादा पैसा दिया जा रहा है। सोर्सेस की माने तो राहुल वैद्य को 15 लाख रुपए दिए जा रहे हैं पर एपिसोड की शूटिंग के लिए, जो कि बहुत बड़ा अमाउंट है। तो वहीं पे दूसरे पायदान पर है दिव्यंका त्रिपाठी। दिव्यंका त्रिपाठी जो है सेकंड हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस है खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 में। सोर्सेस की माने तो दिव्यंका त्रिपाठी को पर एपिसोड जो है 10 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। जी हाँ, 10 लाख रुपीस दिया जा रहा है दिव्यंका त्रिपाठी को पर एपिसोड की शूटिंग के लिए। तो वहीं पे तीसरे नंबर पर है अर्जुन बिजनाली। अर्जुन बिजनाली को जो है थर्ड बेस्ट हाईएस्ट एक्टर कहना गलत नहीं होगा। अर्जुन को जो है पर एपिसोड के 7 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वेल इस लिस्ट में अगला नाम आता है निकी तांबोली का। निकी तांबोली को पर एपिसोड के लिए 4.43 लाख रुपीस दिया जा रहा है। अगला नाम है श्वेता तिवारी का। श्वेता तिवारी को भी बहुत अच्छी मोटी रकम दी जा रही है। श्वेता तिवारी को पर एपिसोड के लिए 4 लाख रुपए दिए जा रहे हैं। वेल इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनुष्का सेन का। छोटा पैक बड़ा धमाका। अनुष्का सेन की जो सोशल मीडिया पॉपुलैरिटी है इसको देखते हुए, इसको मद्देनज़र रखते हुए अनुष्का सेन को पर एपिसोड के 5 लाख रुपए जो है दिए जा रहे हैं। वेल इस लिस्ट में अगला नाम आता है वरुण सूद का। वरुण सूद को पर एपिसोड के 3.85 लाख रुपीस दिया जा रहा है। वरुण सूद भी अच्छा खासा पैसा कमा रहे हैं इस शो से। अगला नाम है विशाल आदित्य सिंह का। सोर्सेस की माने तो विशाल आदित्य सिंह को भी बहुत अच्छा अमाउंट दिया जा रहा है, जिसकी रकम बताई जा रही है 3.32 लाख रुपीस। जी हाँ, 3.32 लाख रुपीस जो है विशाल आदित्य सिंह को मिल रहे हैं पर एपिसोड के लिए। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सना मकबूल का। सना मकबूल को 2.45 लाख रुपीस दिया जा रहा है पर एपिसोड की शूटिंग के लिए। सना जो है वैसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट नहीं है और पहले ही हफ्ते सना मकबूल जो है शो से बाहर हो गई थी, जिसके चलते उन्हें सिर्फ 2.43 लाख रुपीस ही दिए गए हैं। इस लिस्ट में अगला नाम आता है सौरभ राज जैन का। सौरभ राज जैन को 2 लाख रुपीस दिए जा रहे हैं पर एपिसोड की शूटिंग के लिए, जो कि सारे एक्ट्रेसेस में से सबसे कम है, यानी कि मेल एक्ट्रेसेस में से सबसे कम है। वेल इस लिस्ट में अगला नाम आता है आस्था गिल का। अगर हम बात करें आस्था गिल के बारे में तो आस्था गिल को 1.85 लाख रुपीस दिया जाता है पर एपिसोड की शूटिंग के लिए, जो कि बहुत ही कम अमाउंट है। तो वहीं पर सबसे आखिरी और सबसे कम अमाउंट दिया जाता है महक चहल को। 1.5 लाख रुपीस ही मिलते हैं महक चहल को पर एपिसोड की शूटिंग के लिए।
तो दोस्तों ये वो 12 कंटेस्टेंट्स हैं जिनकी अमाउंट और जिनकी सैलरी मैं आपको बता चुकी हूँ कि खतरों के खिलाड़ी सीजन 11 के लिए वो कितना पैसा चार्ज करते हैं। तो आप कमेंट सेक्शन में धड़ाधड़ कमेंट करके बताइए कि आपका फेवरेट कंटेस्टेंट कौन है और किसकी सैलरी सुनकर आपको सबसे ज़्यादा खुशी मिली। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए ताकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट है या फिर चटपटी गॉसिप्स है मैं यानी कि काजल आप तक सबसे पहले पहुंचाती रहूंगी। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक एंड फॉलो करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।